छतरपुर में किसानों को यूरिया खाद के लिए लंबी कतार में लगना पड़ रहा है। घंटों तक लाइन में लगने के बाद भी किसानों को खाद उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। छतरपुर में बैंक के सामने एग्रो गोदाम में खाद वितरित किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में किसान खाद के लिए लाइन में लगे हुए हैं, किंतु टोकन लेने के बावजूद भी रसीद कटवाने के नाम पर किसानों को घंटों तक खड़ा किया जाता है। मेरा नाम आरपी सरोटिया, मैं डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हूँ यहाँ पे। मेरे को जो है जो डीएमओ को जो अलॉटमेंट होता है उसमें से मेरे को 5% मिलता है। उनके द्वारा मेरे को मात्र जो है 60 टन का अलॉटमेंट किया गया, जो कि हमारे यहाँ कल आया था और क्या बोलते उसका आज विधिवत रूप से वितरण किया जा रहा है। महेंद्र पटेल, ग्राम नोना, जिला छतरपुर। ये परेशानी है श्रीमान जी, सुबह से खड़े हुए हैं, खाद ही नहीं मिल रहा है। बोल रहे हैं रोको रोको, अभी टोकन बट रहे थे तो उनने एक साथ, जनता ने उनको भी पचेल दिया है तो उनने एक साथ पूरा टोकन फेंक दिया है, तो किसी को 4 मिल गए, किसी को 1 मिल गया, किसी को 1 भी नहीं मिला है। हाँ, हवा में उड़ा के टोकन फेंक दिया, जैसे पैसों की बारिश होती है ऐसी उनने टोकों की बारिश कर दी। मुझको खाद नहीं मिला है सुबह से आया। मेरा नाम श्री राम यादव है, ग्राम गणेशपुरा से, ग्राम गणेशपुरा। खाद लेने के लिए आए हैं, मिलने को बोल रहा है कि टोकन मिल जाएगा जब खाद मिलेगी। आज तो टोकन मिलेगा ही नहीं, कल मिलेगा या जब मिले। एक ही क्वांटर चालू है, यहाँ से मंडी भटकती, मंडी से इधर भटकती, जनता परेशान है, खाद मिल नहीं रहा है।